such a pretty building is this. मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 11, अभी सोकर के उठे हैं। सुबह सुबह आए 4 बजे वापस अपने विला में। पूरा गोवा ऐसे जाग रहा था जैसे कि रात होती नहीं है यहाँ गोवा में। पूरा वागा बीच जो है, इतनी ज्यादा रौनक, इतने ज्यादा शोर, गाने, खाना पीना सब कुछ। मतलब हम लोग 4 बजे तक वहीं बैठे रहे। उसके बाद अब सूखे अब उठी हूँ मैं, और अब नहा धो के नाश्ता करेंगे, भी आएंगी हमारे लिए जो ब्रेकफास्ट बनाती है वो कुछ खिलाएंगी, छोटा सा चटर पुटर खा के फिर निकलेंगे। आज हमारा लंच है, साउथ इंडियन वेजिटेरियन लंच है। बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट देखा है अभी हमने, दिल्ली से ही बुक कर ली थी उसकी बुकिंग, सापड़ू उसका नाम है। तो जाकर के देखते हैं क्या है। कहते हैं केले के पत्ते भी खिलाते हैं, एक नया एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, पर दिल्ली वालों के लिए, हमारे लिए तो है एक नया एक्सपीरियंस। वहाँ चलेंगे और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ एंड तक बने रहिए पूरा दिन, ताकि मैं आपको गोवा का जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ आपको सब कुछ घुमाऊँ। मेरे साथ बने रहिए। ये हमारा विला का बैकयार्ड है, यहाँ पे आराम से हम बैठे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर हेल्प है वो अभी आएंगी और हमारे को ब्रेकफास्ट खिलाएंगी, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, थोड़ा नींद से उठेंगे। अभी तक तो नींद में ही है बॉडी कि 11 बज गए। बहुत ही सुंदर जगह है, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में बच्चे उठेंगे, तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर लंच के लिए निकलेंगे। मॉर्निंग। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है जी। पराठे बनाए गए हैं आज हमारे, आलू के पराठे बनाए हैं। और ये मैं आपको किचन में दिखाती हूँ, हमारी चाय भी रेडी हो रही है। हाँ, पिकल भी आ गया। ये हमारी रेशमा दीदी है जो हमारे लिए नाश्ता बना रही है। मेरी चाय बन गई, थोड़ा सा दूध और डाल दो, थोड़ी काली बन रही है। रेशमा दीदी हेलो, हाय। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आलू के परांठे, चाय गरम गरम, अचार, मक्खन, मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं लंच के लिए, साउथ इंडियन लंच पे जा रहे हैं। जैसे मैंने सुबह बताया था, तैयार हो गए हैं, बच्चे सब उठ ही गए हैं, दोपहर हो गई है, और लंच पे करके आपको दिखाते हैं नया एक्सपीरियंस, समथिंग न्यू। सापड़ू अपना साउथ इंडियन लंच कर ले केले के पत्ते पे, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्मॉल रेस्टोरेंट। किया है छोटा सा केला, यहाँ का लोकल फ्रूट है, और ये केले के चिप्स हैं, नारियल की चटनी, पिकल, और ये गन पाउडर, और ये छाछ, बटर मिल्क। ये सब साउथ इंडियन डिशेज हैं। पम्पकिन है, कैबेज है, और लेडी फिंगर है,
ये किस में बना हुआ है? कोकोनट मिल्क में? नो, कर्ड। कर्ड में, पंपकिन एंड कर्ड। एंड दिस इज कैबेज। और ये है लेडी फिंगर कोलंबो। कोलंबो। This is ghee. This is Tamil Nadu cuisine. Taste is so good. Sambar chawal. Chawal, different chawal. Rice sambar, बहुत अच्छा taste है इसका. And this bindi and some gravy. South Tamil Nadu style they have made bindi. बहुत ही स्वाद है ये भी. Too good and very different. This is cabbage, bandh gobi ki sabzi. This is pumpkin. Dahi mein bana hua pumpkin kaddu. Tomato vada. Vada. Hot and crispy vada. और वीक डेज में इनका नॉर्मल कैफे चलता है, जैसे कॉफ़ी, इडली, वड़ा, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन संडे को 12 से 4 ये वाला फूड आपको इनका टिपिकल ट्रेडिशनल तमिलनाडु फूड मिलेगा। और ये लास्ट में मैंने अभी लिया है, पायसम मिला है मुझे, लुक्स वेरी यमी। परफेक्ट मीठा साबुदाने की खीर है, वेरी वेरी यम। द होल एक्सपीरियंस इज टू गुड। खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही साफ सुथरा, डिवाइन एक्सपीरियंस लग रहा फिनिश करके कहीं और चलते हैं। मेरे साथ बने रहिए, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। यहाँ का एड्रेस और इसका प्राइस, पूरे एक्सपीरियंस का प्राइस, पूरे थाली का एक प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ज़रूर चेक कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को एंड तक देखिए और मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।